Hello guys, good morning to you all. It's almost 8 o'clock in the morning and now we are planning to go to Dubai because there bahut thoda sa kaam hai and I'm bahut zyada excited hu kyunki yaar pehli baar ghar pe aane ke baad itna mast ghumne ko mil raha hai, warna main ghar pe aake hamesha aise ghar pe baithe rehta, kuch karta warta to hai nahi, sirf ghar mein baithe rehta aur bore hota rehta. To is baar ja rahe hain mast, aise ghumne nahi ja rahe, kuch to kaam hai important hai, तो उसके बाद देखेंगे, कुछ प्लान बनते हैं तो घूमेंगे और बाकी की बातें बाद में करते हैं. अभी मुझे आपको एक झाड़ बताना है, ये वाला. आओ, ये वाला जो झाड़ है ना, ये वाला. इधर इतनी हवा चलती है ना रात को, दोपहर को तो इतना गर्म होता है, इतना गंदा गर्म होता है दोपहर को, और रात को इतनी हवा चलती है, मतलब दोपहर को भी हवा रहती है लेकिन बहुत कंपेरेटिवली बहुत ये रहती है, हॉट एयर रहती है, मतलब इतने बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती है. और रात को ना, रात को जो ठंडी हवा रहती है ना बॉस, बहुत मस्त. मैं इधर ही सोया था रात को, इधर ही सोया था, ये वाली खटिया डाल के मस्त थोड़ा सा चद्दर वद्दर डाल के उस पर मस्त मैं सो गया था. एंड ये वाला बड़ा वाला अशोक का ट्री और ये बादाम का झाड़ झाड़ है. देखो ये वाला बादाम का झाड़ है, वो वाला अशोक का झाड़ है. इतने हिल रहे थे ना, मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि मेरे आंख पे आ जाते रात को गिर के, बहुत डर लग रहा था. लेकिन बॉस जो नींद आई है ना, क्वालिटी एक नंबर. अभी खाना थोड़ा बहुत सा भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता करते और फिर मिलते बाद में थोड़ी देर में. Progress, good things go slow. I'm no saint. I fall, you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. बतानी थी कि धुंडे जैसे धुए आने में मेरे तो धुंडे जमे, तो उधर से धुए में आने में 60 किलोमीटर का एक रास्ता, मतलब ऐसा ही सिंपल रास्ता था जो आपने देखा अभी वीडियो में, जो कि पूरा का पूरा बंजर था, ना पेड़ के ऊपर पत्तियां थी, ना आधे के ऊपर तो पेड़ तो जले हुए थे. तो यही कारण है कि इधर गर्मी बहुत होती है और पानी का शॉर्टेज है. तो या दिस इज द रीज़न वाई हियर बहुत ड्राई होता है, सूखा होता है और टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, और पेड़ ही नहीं है तो पानी नहीं होगा और बारिश भी नहीं होती है ज़्यादा. सो दुष्काळ से कारण ऐसे मित्रांनो, थोड़ा सा झाड़ बिड़ा लावा. आता मैं जाते पानी प्याला, जब भूख पण लागली, तान पण लागली, काहीतरी पिऊ खाऊ. ठीक है, आणि 40 डिग्री असतं मित्रांनो, 40 डिग्री. 40 डिग्री में ना पूरा ऐसा अंडा डालोगे ना सीट के ऊपर गाड़ी के, तो वो भी उबल जाता है. जाने के पहले थोड़ा सा ऐसा रुमाल वुमाल बांध के जाने का, अभी मेरे पास तो है नहीं इसलिए मैंने पहना नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखा करो. हेलो जी, तो मैं पहुंच गया हूँ इधर धुए में और अभी मैं हूँ कलेक्टर ऑफिस के बाहर. एंड अभी जो आप सीन देखोगे वो है कलेक्टर ऑफिस के. सो लेट स्टार्ट. 3, 2, 1. वैसे मेरा इधर कुछ खास काम तो था नहीं, मेरा मतलब कलेक्टर ऑफिस में कुछ काम था नहीं, मेरा काम तो उधर है, वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो वाला जो झोपड़े जैसा दिख रहा है, वो स्टैम्प वेंडर का है. तो मेरा काम तो उधर था, स्टैम्प वेंडर के पास है मेरा काम, लेकिन सोचा तो आपको कलेक्टर ऑफिस दिखा दो, हमारे इधर का शान बढ़ जाती है. मिलते हैं थोड़ी देर में. फाइनली शाम के 4 बजे पूरा काम हो गया है और अभी हम मैं वापस जा रहा हूँ हमारे घर डोंडाइचा, फ्रॉम धुळे बैक टू डोंडाइचा.
तो अभी रुके होटल पे खाना खाने के लिए, क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी और गर्मी भी बहुत है, इसलिए ठंडा पानी भी पिया जा रहा है। एंड आजू बाजू में बहुत लोग बैठे, इसलिए मैं इसे बुक कर रहा हूँ। प्रोबेबली नया एंगल भी मिल जाता है इसकी वजह से। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। आई एम ट्राइंग डेली ब्लॉग्स कि मेरे जिंदगी में क्या क्या होता है वो मैं अपडेट करते रहूँ, आपको एक टीम बना के आपको बताते रहूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि मैं ये कंटिन्यू करूँ या नहीं। थैंक यू।